हजारीबाग के चुरचू प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव के लोग महिला समूहों से जुड़कर अच्छी आमदनी कर, इसमें हजारीबाग जिला प्रशासन भी इनका सहयोग कर रहा है। चुरचू प्रखंड अंतर्गत सुदूरवर्ती गांव कचरी, जो पहले कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से बम और गोलियों की आवाज़ से यह क्षेत्र गूंजा करता था, लोगों के पास हाथों में हुनर के जगह हथियार हुआ करते थे, लेकिन अब इस क्षेत्र की 400 महिलाएं के साथ साथ पुरुष जागरूक होकर रोजगार की नई दिशा में कार्य कर रहे हैं। बताते चले कि विभिन्न महिला समूहों से जुड़कर इन क्षेत्रों की 400 महिला के अलावे कई पुरुष बांस से बनने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं का प्रशिक्षण लेकर लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जी, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग लिया भी है और दूसरे को दे रहे हैं, महिला को, और 50 से ज़्यादा महिला को ट्रेनिंग दिया है। और पहले हम सूप टोकरी सब बना लेते थे, अभी चालू किया है फर्नीचर क्राफ्ट वाला सामान भी बना रहे हैं। छोटा छोटा बाम्बू से वेस्ट निकलता है, उसी में से कुछ कुछ सामान बना लेते हैं। देखिए, इसके पीछे हम लोग का पहले से ही सोच था और अभी भी इनके बारे में सोचते हैं कि हमारे गांव वालों को रोजगार मिले, यहाँ के लोग पलायन ना करें। जैसे हमारा चुरचू प्रखंड के अंतर्गत दो चीज देखने को मिलती है, ये तो हम लोग को नक्सल प्रभावित क्षेत्र का धब्बा लगा हुआ है, दूसरा चीज हम लोग को यहाँ पर विस्थापित और प्रभावित लोग देखने को मिलते हैं, सब लोग पलायन करते हैं। ये सब चीज़ों को रोकने के लिए हम लोग ने 400 महिला का एक ग्रुप बनाया, उसके तहत हमने आदिवासी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन 2011 में किया। और इसमें इस ट्रस्ट के अंतर्गत हम लोग का 4 इकाई चल रहा है, पहला हैंडलूम का चल रहा है, बम्बू क्राफ्ट का चल रहा है, टेराकोटा का चल रहा है और इसका फुटवेयर का चल रहा है। तो हम लोग का सोच है कि लोगों को इकट्ठा करके लोगों को यहीं पर रोजगार दे, वो पलायन ना करे। ये चुरचू प्रखंड और हमारे अन्य प्रखंडों में भी हमारे कुछ ग्रुप्स हैं जिसमें मेल्स फीमेल्स दोनों हैं, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो अलग अलग हैंडीक्राफ्ट के काम कर रहे हैं, हैंडलूम के काम कर रहे हैं, हस्तशिल्प में वो लोग काफ़ी सारे डेकोरेटिव आइटम्स बना रहे हैं, बांस के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कई जगह पे कपड़े का भी काम चल रहा है। हमारा कजरी कॉटन एक खास हमारा ब्रांड है जो यहाँ पे महिलाएं बना रही है, जिसमें वो साड़ीज़ और शॉल्स और अन्य कपड़े निर्माण कर रही हैं। अभी हम लोगों ने DMFT मद से इन ग्रुप्स के लिए कुछ इक्विपमेंट सैंक्शन किए हैं, इनको कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी। ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग अभी प्रपोजल हम लोगों ने मांगा है कि हम लोग इनके क्षमता वर्धन को और बढ़ावा दे सके, और आगे फिर इसकी जो मार्केटिंग ब्रांडिंग होगी या मार्केट उपलब्ध कराना, उस पर हम लोग काम करेंगे। जी हाँ।